नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। देश की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिरसा उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने की। वहीं मौके पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और जेजीपी के जिला अध्यक्ष अजेंद्र गणेरीवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी जिलों को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के जिला प्रधान जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती के मौके पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अटल बिहारी जी राज में रहे, उन्होंने पारदर्शिता को कभी नहीं छोड़ा और ना ही स्वच्छ राजनीति को छोड़ा। उन्होंने कहा चाहे उनको एक मत से राज छोड़ना पड़े, लेकिन उन्होंने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति की याद में सुशासन दिवस मनाया जाना सार्थक है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, आज का जो दिवस है पूरे देश में, मैं कहूँगा पूरे विश्व में, और अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, एक विशेष महत्व रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वो शख्सियत थे जिन्होंने वास्तव में जब भारतीय जनता पार्टी के दो चार सांसद होते तब से लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकारें बनने तक, जब तक अटल जी रहे हैं, उन्होंने राजनीति का एक अलग सा संदेश दिया है। चाहे वो विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, उन्होंने पारदर्शिता, स्वच्छ राजनीति को कभी नहीं छोड़ा। ये वही शख्सियत हैं जिनकी सरकार एक वोट से गिरी तो इन्होंने गिर देना ही उसको अच्छा समझा। उस एक वोट को खरीदने का प्रयास भी नहीं किया गया। अटल जी ने उस वक्त संसद में ये स्पष्ट कहा था कि अगर सत्ता मुझे किसी भी तरह के खरीद फरोख्त से, दल बदल से मिलते, उस सत्ता को मैं चिमटे से छूना नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने इसीलिए उस व्यक्ति की याद में सुशासन दिवस मनाया जाना वास्तव में सार्थक है।